कर दोस्तों, हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, संत पे कमीशन के तहत बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। दोस्तों, डीए एरियर को लेकर मिल गई है बड़ी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आपके खाते में आ सकते हैं 2 लाख रुपये। तो जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिए। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशन और फैमिली पेंशन से संबंधित जो भी नई अपडेट निकल कर सामने आती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देर के। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पिछले कई महीनों से लटके हुए डीए का इंतजार कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को जल्दी बहुत बड़ी खुशखबरी दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी डीए का पैसा अटका हुआ तो आपके खाते में जल्दी 2 लाख रुपये ट्रांसफर हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 18 महीनों से महंगाई भत्ते का पैसा लटका हुआ है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इसी साल यानी कि नए साल में कर्मचारी के खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकती है। दोस्तों, सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र कर्मचारी के डीए को बढ़ाकर 31% कर दिया था। इसके अलावा भी कई तरह के जो कर्मचारी को भत्ते उसके फायदे दिए थे। दोस्तों, इसके अतिरिक्त नए साल पर कर्मचारियों को 2 या 3% की डीए की बढ़ोतरी की खुशखबरी भी मिली है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक सरकार अटकी हुई डीए के पैसे का 1 टाइम सेटलमेंट कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर सरकार कर्मचारी को एक बार में ही डीए का पैसा ट्रांसफर करती है तो उनके खातों में 1 लाख रुपये ट्रांसफर हो सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 60 लाख पेंशनर्स हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ JCM के शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक अगर लेवल 1 के कर्मचारी की बात करें तो डीए पर एरियर कर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच में बनता है। वहीं अगर हम लेवल 13 के कर्मचारी की बात करें तो उनका बेसिक पे 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये के बीच में बनता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम लेवल 14 पे स्केल के लिए कैलकुलेशन की जाए तो एक कर्मचारी के हाथ में डीए एरियर का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का भुगतान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि 18 महीने के डीए का मुद्दा पीएम मोदी के हाथों में है। पीएम मोदी खुद इस पर फैसला करेंगे तो उम्मीद की जा रही है कि जल्दी कर्मचारियों को उनका पैसा मिल सकता है। अगर पीएम मोदी जल्दी या रिजंडी देते हैं तो करोड़ों लोगों के खातों में यह पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।